हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ नॉलेज। आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। ये क्या होता है इसको हम विद डायग्राम से आपको बताएंगे। ये कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है? जब कोई हमारी एक्सरे रेज किसी एलिमेंट पर गिराई जाती हैं, जो कि एलिमेंट कोई हल्की होती है, जैसे कार्बन, एल्यूमिनियम, उस पर गिराई जाती है, तो उसका एरर मतलब प्रकीर्णित होकर अनेक दिशाओं में फैलती है, जिसमें उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वेवलेंथ की वृद्धि ज़्यादा होती है। इसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ भी लेते हैं कॉम्पटन इफेक्ट को। जब कोई एक्सरे को किसी हल्के एलिमेंट जैसे कार्बन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा पर गिराई जाती है, तो वह एलिमेंट उस एक्सरे को अनेक दिशाओं में स्कैटर मतलब प्रकीर्णित कर देती है। ये एक्सरे का वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, इंसिडेंट मतलब आपतित, एक्सरे की वेवलेंथ से अधिक होती है। ओके, ये जो होती है ये कम होती है वेवलेंथ, इस लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो लैम्डा डैश है अधिक होती है, इसको लैम्डा डैश से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे डेफिनेशन इसकी। वह घटना जिसमें किसी एलिमेंट की सतह से एक्सरे से के स्कैटर्ड होने के पश्चात एक्सरे की वेवलेंथ में वृद्धि तथा उसके संलग्न ऊर्जा में कमी होना पाया जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। एक बार हम फिर डायग्राम को देख लेते हैं। जब कोई एक्सरे इस एलिमेंट पर जाती है, एक्सरे जाती हैं किसी हल्के एलिमेंट जैसे कार्बन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा पर गिराई जाती हैं इस एलिमेंट पर, तो इस प्रकीर्णित होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये अनेक दिशाओं में जाती हैं, जिसमें इसमें ऊर्जा की कमी, वेवलेंथ मतलब अधिक होती है। इसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ओके, अब जब एक्सरे का एक फोटोन एलिमेंट सतह पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो वह कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को स्वयं प्रकीर्णित हो जाती है। जब उस पर गिरेगी तो कुछ एनर्जी तो उस पर प्रकीर्णित होगी। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। कॉम्पटन ने देखा कि फोटोन की एनर्जी कुछ कम हो जाने से स्कैटरिंग एक्सरे कि वेवलेंथ लैम्डा डैश कुछ बढ़ जाती है। जब फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी तो एक्सरे की वेवलेंथ कुछ बढ़ जाती है। ओके, ये जो आपने दिखा रखा है इसमें एक बार डायग्राम में, ये जो थीटा का मान है, ये इसके इस पर प्रकाश पे के डिजिट पे करता है कि कितना, जहाँ तक प्रकाश की वैल्यू होगी जो भी जिस दिशा में जाएगी उसके हिसाब से थीटा की वैल्यू होगी। इसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती, उस हिसाब से चेंज होती रहती है। ओके, अब एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम। ओके, देख लीजिए आप, इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा है, यह निर्भर करता है कि स्कैटरिंग एंगल थीटा है। कॉम्पटन ने फोटोन के साथ संलग्न एनर्जी को एच यू के बराबर माना और फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू करते हुए वेवलेंथ में होने वाली ग्रोथ के नियम को व्यंजन दिया, जैसे लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू एच अपॉन एम सी वन माइनस कॉस थीटा। इसको हम डेल्टा थीटा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सी क्या हो गया इसमें, प्रकाश का वेग, एच क्या हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, एम क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, जो आराम मतलब ऐसी स्थित रहता है। एंगल के हिसाब से अगर जीरो तो हम इसका जैसे कि न्यूमेरिकल आ जाता है इसका, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू ज़ीरो रख के, तो इसमें शिफ्ट में कोई शिफ्ट नहीं होगी, कॉम्पोनेंट शिफ्ट नहीं होगी इसमें, जब ज़ीरो हो गया तो थीटा की वैल्यू रख के इसका मान आ जाएगा। इसके हम आपको इंग्लिश के नोट्स भी दे देंगे, जिसे हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकता है, कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, जैसे इंग्लिश नोट्स आ गए हमारे, ये रही यहाँ से इंग्लिश नोट्स हैं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? कॉम्पटन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, इट मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ आर अलाउड टू हिट ए मटेरियल ऑफ लो एटॉमिक वेट, द स्कैटर्ड रेडिएशन नॉट ओनली वेवलेंथ ऑफ डेट ऑफ इंसिडेंट रे बट आल्सो कंटेंड रेडिएशन ऑफ हायर वेव लेंथ, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें यही बताया गया है कि इसमें एक्सरे की वेवलेंथ में वृद्धि तथा ऊर्जा में कमी होने के कारण इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। इसका हम आगे देख लेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका डायग्राम,
ये इंग्लिश में दे रहे हैं आपको नोट्स, जिसे इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में कर सकता है, हिंदी में जिसे करना है वो हिंदी में, दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसे कंडीशन के हिसाब से, अगर थीटा को 0 रखा तो कंडीशन क्या होगी, थीटा को 90 रखेंगे, थीटा को 180 रखने पे। अब आ जाएगी इसकी इम्पोर्टेंस, एक बार फिर देख लीजिए जो भी रह गया हो। इसका डायग्राम मस्ट है, तो आपको ज़रूर बनाना है एग्ज़ाम में, इसके बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आगे शेयर करना। हम आपके लिए और न्यू टॉपिक लेके आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, तब तक आप ये देखते रहिए। थैंक यू।